मेरी प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले मैं हमने चर्चा किया था संज्ञा उपवाक की, और आज हम चर्चा करेंगे विशेषण उपवाक की। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं आप जानते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द होता है उसी के आगे पीछे जो और भी शब्द उसके सहायक के रूप में जोड़ दिए जाएं उसी को विशेषण पदबंध कहते हैं, और पदों से वो बंध जाता है और शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे यह मेरे पास, ठीक है, बैटरी से चलने वाला खिलौना है, मेरे पास खिलौना है, वो पास क्या है ये विशेषण बता रहा है, लेकिन उसमें पदबंध जोड़ दिए गए बैटरी से चलने वाला। ठीक है, बैटरी से चलने वाला ये जितने हैं ये विशेषण पदबंध है। बस समझ में आ रही, मेरे पास एक खिलौना है, ठीक है, तो खिलौने की विशेषता बता रहा है ये विशेषण पद जो बैटरी से चल रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चल रहा है। ठीक है, ये विशेषण हुआ विशेषण पद। अब देखिए, मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी, तो घड़ी क्या है, संज्ञा है, और घड़ी की विशेषता कौन बता रहा है, पुरानी। ठीक है, और पुरानी में और हम कुछ पदबंध जोड़ दे रहे हैं, एक बहु, अगर ना जोड़े तो भी एक वाक्य होगा, मेरे कमरे में पुरानी घड़ी है, तो पुरानी क्या है, विशेषण है, घड़ी संज्ञा है। ये पुरानी के साथ और भी पद जुड़े गए, एक बहुत पुरानी, थोड़ी पुरानी, ये विशेषण पदबंध के विशेषण के साथ जो शब्द और जोड़ दिए जाए उसी को हम विशेषण पदबंध कहें। मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है, ये संज्ञा है, जो बहुत पुरानी है। ठीक है, पुरानी क्या है, ये विशेषण है, और इसमें हमने क्या कर दिया, और पदबंध जोड़ दिए, जो ये सब है ये विशेषण पदबंध, और इसी को हम विशेषण उपवाक कहें। उसी तरह नीली कमीज वाले लड़के, और लड़का क्या है, संज्ञा है। ठीक है, नीला क्या है, ये विशेषण है, और उसके साथ और पद जुड़े गए हैं, नीली कमीज वाले। ठीक है, ये विशेषण पदबंध विशेषण के साथ। ठीक है, जो नीली कमीज पहने हैं, ये विशेषण उपवाक, उस लड़के को मतलब लड़का, मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं। आपको यहां मेल समझना है विशेषण पदबंध। आई अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक, ये परीक्षा में आते नहीं है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा समझना जरूरी है। क्रिया विशेषण उपवाक, जो उपवाक के क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। वाक्य का आश्रित वाक्य क्रिया विशेषण पदबंध स्थानापन्न कर सकता है, मतलब बदल सकता है, उसकी जगह पर और कुछ रख सकते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चल रही थी, वह धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता होता है, चलने की विशेषता ये बता रहा है। ठीक है, अब इस क्रिया विशेषण पदबंध को और बढ़ाया जा सकता है, वह बीमारों की तरह चल रही है ना, धीरे धीरे की जगह पर हमने बीमारों की तरह कर दिया, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। वो ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हैं, अब याद देखिए जो धीरे धीरे उसकी जगह पर हमने कर दिया, जैसे बीमार चलते हैं। ठीक है, तो ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और ये क्रिया विशेषण, राइट। अब यहां देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया विशेषण शब्दों की भांति क्रिया की विशेषता बताते हैं,
तत्व मैंने लिखे हैं, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। ध्यान देखिए, रोज, कोई, कई, कोई, ये सब क्या है, ये क्रिया विशेषण, और ये क्रिया विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, जब मैं भारत में, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित, राइट, इसको समझिए, ये जो इसीलिए मैं यहां लिखा हूं, ठीक, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, ये क्रिया विशेषण है रोज, कोई, कोई, और इसकी विशेषता ये बता रहा है, जब मैं भारत में रहता था, फिल्में कब देता था, जहां मैं रहता हूं वहां अब कोई नहीं रहता, जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण आश्रित, मतलब अपने शब्दों में मैं परिभाषा लिखा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत, ये भी एक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण आश्रित हुआ के क्रिया विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, ये वह इतना बेईमान हो गया कि सबको धोखा देता है, सबको धोखा देता है, ये क्या कर रहा है, क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो जो क्रिया विशेषण की विशेषता बता है वह क्रिया विशेषण आश्रित को आगे कहलाता है। तो इस तरह क्रिया विशेषण में कुछ कई नाम है, उनके कई भेद है, समयवाचक क्रिया विशेषण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समय का बोध करा रहा है, स्थानवाची स्थान का बोध करा रहा है, रीतिवाची रीति यानी ढंग का बोध करा रहा है, परिमाणवाचक मात्रा, ठीक है, कारणवाचक कोई रीजन का बोध करा रहा है, शर्तवाचक कोई शर्त होगी, ठीक है, विरोधवाचक इसमें विरोध प्रकट होता है, प्रयोजनवादी मतलब प्लानिंग क्रिया विशेषण यानी कोई काम करने के पहले हम प्लानिंग बनाते हैं, दरवाजा बंद कर दो ताकि बिल्ली ना आ जाए, तो इस तरह आप अब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके उससे आप भी समझ सकते हैं, इतना मेरा समझाना दायित्व तो है, इसके बाद आपका दायित्व तो बनता है इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये मैं सब लिख भी दिया हूँ कि कौन इसमें क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य उसे कहेंगे जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, राइट। अब इसके बाद जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य का सारा एग्जांपल में दिया है, आपको कहीं भी पहले तो जो दिया है उसे आप देखें समझें, उसके बाद जो करने के लिए दिया है उसे करने का प्रयास करें, ठीक है, तो आज बस इतना ही।